जे मैं गलत ना होवां तां मेरे ख्याल च जिड्डी जिम्मेवारी सरकार दे उत्ते है, मुख्यमंत्री साहब दे उत्ते है, अपनियां जिहड़ियां गरंटियां अपने जिहड़े ने वादे जिहड़े ने ओह पूरे करने, उस तो वध जिम्मेवारी तुहाडे ते लग रही है जिहड़ी तो हुण पंजाब दे लोकां ने तुहाडे वल देखणा है। की लगता है कि तुसीं पगा पाओगे 18 बंदियां नाल? मैं समझना परमात्मा की मेहर के नाल असी बकायदा तौर ईवन की तो जिस तरह कही जाए कि बराबर तो कोई यहोजा मुद्दा नहीं जिसे असी इन्हों की घेराबंदी नहीं की। गल ठीक कि इन्होंने हर चीज़ इन्हों के कंट्रोल च, कैमरे भी विधानसभा के कंट्रोल च ने। जदों ओपोजिशन बोलती है कैमरे खिंच के 100-150 फुट पछाण नूं लै जांदे, आम लोगों को पता ही नहीं लगता बोल कौन। मैं थोड़ा जिहा तुहाडे जरिए इन्हां नूं दसना चाहुंदा, डरन वाले नहीं असी, ना सानू किसे दा डर, ना सानू खौफ। मैं भगवंत मान नूं ओपन किया सी, पर जे लोकां नूं तुसीं निरा डराना धमकाना चाहते हो कि असी लोकां दे इशूज या तुहाडी गरंटीज ना चुकीए, ये पॉसिबल नहीं है। भगवंत मान दा अपना जद्दी हलका संगरूर, जदों उहदे ते कब्जा सा सिमरनजीत सिंह मान दा हो गया, इन्हां दे पल्ले की रह गया? बाजवा साहब तो मैं इजाजत पहला ले रहा हूं, आखिरी गल उन्हां दी होगी। देखो नील जी, मैं कोई गल मजाक च नहीं की, मैं ऑल सीरियसनेस अपने तजर्बे ना की। स्टेज आर्टिस्ट ने सारी जिंदगी लोगों का बेवकूफ बनाते गुजर गई, चुटकले सुनाते तो बेवकूफ बनाते, ये भी एक तरीका बेवकूफ बनाते। स्काई न्यूज़ पंजाब वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं तुहाडा होस्ट नील भुलेंद्र सिंह। पंजाब विच 3 महीने पहला नवीं सरकार बनी है, बहुमत नाल सरकार बनी है, 90-92 MLA आम आदमी पार्टी नूं मिले, पर एक इहदा एक नापक्षी पहलू यह हुंदा है कि जदों एक बहुमत किसी कोल हो जाए तां उदों उह सरकार विरोधियों की सुनना बंद कर दिंदी है। विरोधी धिर की सुन ना सुन का मतलब हुंदा है कि लोगों की सुनवाई ना होना। विरोधी धिर दे हुण वड्डे जिम्मे, जिहड़ा बहुत वड्डा चैलेंज है, दोपासी चैलेंज है। एक तां विरोधी धिर कोल नंबर घट ने, दूजा चैलेंज यह है कि जो सरकार हुण अपनी मर्जी नाल ना चले, अपने मन आइया ना करे कि बहुमत दे सिर दे उत्ते कि पंजाब दे लोकां दी सुनवाई करना ही बंद कर दे, अपने हितां नूं ही जिहड़ा प्रायोरिटी देवे। क्यों? क्योंकि विरोधी धिर घट नंबर ते है, ते विरोधी धिर नूं बजट सैशन दे विच सरकार ने एक तरह नाल पूरी तरह जचाउण दी कोशिश कीती है कि तुहाडी असीं चलण नहीं देवांगे, तुसीं जे साडे नाल पंगे लओगे, साडे अगे बोलोगे तां तुहाडे असीं केस खोलांगे। क्योंकि विरोधी धिर इतफाक बस उस पार्टी की है जिस दी सरकार 3 महीने पहला तक पंजाब च सी। इह सारी वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी है, सब तो वड्डी चुनौती जिहड़ी है पंजाब दी सरकार नूं सरकार वांग चलन लई मजबूर करदे रहना, वह है नेता विरोधी धिर दे उत्ते जो ने प्रताप सिंह बाजवा। बाजवा साहब इस वक्त साडे नाल बने हुए हैं, सति श्री अकाल जी बाजवा साहब। थैंक यू। जे मैं गलत ना होवां तां मेरे ख्याल च जिड्डी जिम्मेवारी सरकार दे उत्ते है, मुख्यमंत्री साहब दे उत्ते है, अपनियां जिहड़ियां गरंटियां अपने जिहड़े ने वादे जिहड़े ने ओह पूरे करने, उस तो वध जिम्मेवारी तुहाडे ते लग रही है जिहड़ी तो हुण पंजाब दे लोकां ने तुहाडे वल देखणा है। की लगता है कि तुसीं पगा पाओगे 18 बंदियां नाल? देखो गल इस तरह नील भुलेंद्र जी, नंबर भावें साडा छोटा है, नंबर ते पंजाब दे लोकां ने दित्ता है, बट मैनूं पूर्ण विश्वास अपने परमात्मा ते है। मैनूं पूर्ण विश्वास है कि इन्ने वड्डे मुद्दे ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोकां दे जज्बात ते खेल के, इन्हां दे सेंटीमेंट्स ते खेल के, झूठ बोल के ये सत्ता में आई है। असी इन्हों उस गलते घेरना, क्योंकि ये पहला ऐतकी सैशन सी। मैं समझना परमात्मा की मेहर के नाल असी बकायदा तौर ईवन की तो जिस तरह कही जाए कि बराबर तो कोई यहोजा मुद्दा नहीं जिसे असी इन्हों की घेराबंदी नहीं की। गल ठीक है कि इन्होंने हर चीज़ इन्हों के कंट्रोल च, कैमरे भी विधानसभा के कंट्रोल च ने। जदों ओपोजिशन बोलती है कैमरे खिंच के 100-150 फुट पछाण नूं लै जांदे, आम लोगों को पता ही नहीं लगता बोल कौन रहे। इन्हों का कोई व्यक्ति बोलता, भावें स्पीकर है, भावें मिनिस्टर है, भावें मुख्यमंत्री है, भावें MLA, फोकस वो देते। इस किस्म की भी मैं समझना बिल्कुल छोटे लैवल की जिहड़ी राजनीति, ये डेमोक्रेसी दे विच पुगदी नहीं। बट मैनूं पूर्ण विश्वास है जिस तरह दिन गुजरनगे, अगला सैशन आएगा, सानू यह पता मुद्दों पर घिरने ना, असं मुद्दों पर घेरने ने, जिहड़े लोगों को इन्हें दित्तियां हुई गरंटीज़ ने, जिहड़ियां मैं तुहानूं दसांगा हुण इस इंटरव्यू दे विच, दित्तियां गरंटीज़ बिल्कुल पूरियां ने कर सकदे, उहदे नाल ही इन्हां दी घेराबंदी होएगी। पर बाजवा साहब, जिवें मैं पहला कहा है कि तुहानूं जदों भी तुसीं बखूबी जिहड़ा है जवाब दित्ते ने विधानसभा दे विच, असीं प्रैस गैलरी च मौजूद सी, कैमरियां ते भावें तुहानूं दिखाया गया नहीं दिखाया गया,
पर वार बार जदों भी तुसी स्कोर करने की कोशिश करते सत्ताधारी धिर के उत्ते थानू कह दिता जाता कि थोड़े फलाने बंदे रात को चक लाँगे थोड़े फलाने बंदे दी फाइलां खुल गई थोड़ी मैं एफ आई आर तैयार करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से रखती जेल मंत्री कहिंदा है तो अजिहे जिहड़े ये ड्राबे थानू मिलदे ने ते ड्राबे भी कोई बेसलैस नहीं बेस है क्योंकि थोड़ी पार्टी की ही सरकार रही है तीन महीने पहला तक हालांकि तुसी सरकार का हिस्सा नहीं सी तुसी राज्यसभा च बैठे सी तो इन ड्राबिया के सन्मुख आपां मन सकते हैं कि तुसी सफल होवोगे अगे सरकार नूं घेरन च। देखो नील भुलिंदर जी, मैं गुरु महाराज साहब को डर के कहना पंजाब दे लोकां दी लड़ाई असी बेखूबी इत्थे लड़ांगे, उन्हां दे जिहड़े सेंटीमेंट्स ने उन्हां नूं उभारांगे। तो मैं थोड़ा जिहा तुहाडे जरिए नाल दसना चाहना, डरन वाले नहीं असी, ना सानू किसे दा डर ना सानू खौफ। मैं भगवंत मान नूं ओपन किया सी कि भगवंत मान जी तुसी तगड़े होके एक्शन लो, जिन्हां ने कोई कसूर कीता लो, असी तुहाडे नाल आ। पर जे लोकां नूं तुसी निरा डराना धमकाना चाहते हो कि असी लोकां दे इशूज या तुहाडी गरंटीज़ ना चुकीए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा जिहा तुहाडी इंटरव्यू दे विच, क्योंकि बहुत सारे जी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के हुण लोग सुनते होणगे, तुहानूं मैं याद कराना चाहना पिछलियां सरकार जिहड़ी पिछली केजरीवाल की सरकार सी 24 MLA करप्शन चार्जस से BJP की गवर्नमेंट ने आपदे चुके तिहार जेल च वाड़े सी 24 MLA, इन्हां जिन्हां विच 5-4 इन्हां दे टॉप ग्रेड मिनिस्टर्स भी है। ते की आप नूं रा सकी सी भाजपा जी? हुण भी 11 MLA इन्हां दे इहो जिहे ने आम आदमी दे मालवे दे विच, जिन्हां ट्रक यूनियन से कब्जा कीता, जिथे ट्रक यूनियन नूं 2 करोड़ तो 5 या 7 करोड़ तक की आमदनी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ला लिया इन्होंने, पार्टी की पूरी जो भी हो सकता मदद ली है। 2 MLA इन्हां दे ने जिन्हां नूं ED लभदी फिरदी है, 2 माजरे इन्हां कोल ने, एक ओह माजरे इन्हां कोल जिन्हों 3 साल सजा हुई परिवार समेत, 2 इन्हां दे मंत्री, पंजाब दा हैल्थ मंत्री ते दिल्ली दा हैल्थ मंत्री जेल दे विच, एक तिहार दे विच, एक इत्थे कोई पता नहीं रोपड़ियां किहड़ी जेल च, किहड़ी गल्लों इह कहिंदे सानूं डरा नहीं सकदे। मैं इह गल इन्नी बहुत वार कही है, भगवंत मान जी थोड़ी जी अपने मंजे थले भी सोटा फेर लो, सानू कोई डर खौफ नहीं, असी अपनी ईमानदारी नाल ड्यूटी करांगे, तुसी भी करो, क्योंकि तुहानू इन्हां तों इक्को गल है कि हुण इन्हां नू हत्थां पैरां दी पै गई है। वेखो नील भुलिंदर जी, अखीरले 3 महीनों में सत्ताधारी पार्टियां नाल जो हुंदा इन्हां नू पहले 3 महीनों च हो गया, अजे तक 75 सालों च तुसी नहीं वेख्या होएगा कि एक जिहड़ी रणभूमि जिहड़ा मेन इन्हां दा एपी सेंटर है, जिस तरह आम तौर किहा जांदा कि जदों काबल ढठदा तो समझो अफगानिस्तान ते कब्जा हो गया, भगवंत मान दा अपना जद्दी हलका संगरूर जदों उहदे ते कब्जा सर सिमरनजीत सिंह मान दा हो गया, इन्हां दे पल्ले की रह गया? सानू कोई फिक्र नहीं, इनू फिक्र होना चाहिए, भगवंत सिंह मान जी नू खुद फिक्र होना चाहिए, सानू कोई फिक्र नहीं, ना सानू इहदा कोई डर है। मेरा ओपन चैलेंज ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤੈਸ਼ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਫੇਥ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫੇਥ ਹੈ, क्योंकि भगवंत सिंह मान दे विच कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं। चीफ मिनिस्टर जिहड़ा भी पंजाब दा या किसी सूबे दा चीफ मिनिस्टर हुंदा उहनूं फराख दिल होना बहुत जरूरी, उहदे विच ठरम्मा होना बहुत जरूरी है, उहदे विच लोकां दी गल सुणन दा जज्बा होना बड़ा जरूरी है। ओपोजिशन दा उह ते कहिंदे जी पहली बार स्टेट्समैन मिलिया सरकार नूं पंजाब नूं। मेरा ख्याल भुलिंदर जी माइंड ना करियो, पंजाब दे इतिहास दे विच जे सारिआं नूं फील्ड मुख्यमंत्री कोई मिलेगा, फील्ड मुख्यमंत्री जिहड़े इन्नी स्पीड दे विच गिरे आ, उह भगवंत सिंह मान हिस्टरी च लिखिआ जाएगा, ही वुड बी अ कंप्लीट डिजास्टर फॉर पंजाब। मेरे को इह गल ऑन कैमरा लै लो, ही वुड बी द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर पंजाब। पर उह ते तुहानूं कह रहे ने कि तुहाडी सियासत तुहाडे जिस स्कूल ऑफ पोलिटिक्स चों तुसीं आउंदे हो या होर पोलिटिशियन आउंदे ने, तुसीं कह रहे तुसीं सारे ही गलत हो, तुहानूं सारिआं नूं रद्द करदे आ, तुसीं क्यों जे तुहाडे नहीं भुगदा 50,000 रुपये नाल घर नहीं चलदा, तुसीं MLA क्यों बनांदे हो? भुलिंदर जी तुसीं गल नहीं समझदे, उहनां नूं तां रद्द ही कर दित्ती। ओह गल छड्डो जी, उहदी कहिड़ी गल, उस बंदे नूं समझ ही है नहीं।
साहब प्रगट सिंह ने सवाल उठाया, तनखाह का सवाल नहीं सी। फिर डॉक्टर सुखी जी ने जिहड़े अकाली दल के बंगे के रिप्रेजेंट, उन्होंने सवाल उठाया वो पेंशन का। उन्होंने गल कही कि जिहड़ा प्रोटोकॉल है MLA का वो इज इक्विवलेंट टू अ चीफ सैकटरी इफ नॉट हायर। तो तुसी जो चीफ सैकटरी की पेंशन बनती वह तुसी काइंडली कंसिडर करो MLA वास्ते, क्योंकि उन्होंने सुखी जी की यह दलील सी, प्रगट सिंह की यह दलील सी। सारे MLA बहुत चंगे घर चो नहीं आते, उन्होंने माली हालत उन्नी चंगी नहीं। जे तुसी चाहते हो इमानदारी ना काम करन ते दे शुड बी गिवन अ गुड पैकेज। गल तो इन मैं इको गल उतो उठ के कही कि दो मैंबर्स ने जिहड़ी तुहानू सलाह दी मान साहब इहदे बारे थोड़ा एक चंगी तरह संज्ञान लै लो, इन्नी गल के उन्हें दूजे पासे गल ठलती अपने। मैं तो ईवन ओपन किया कि तुम ए करो फिर ये अग्निवीर बना दो। वो चार साल चलते ने MLA, पांच साल चलते ने इन्हों की जी तुम हूँ कहीं दे असी इन्हों को 60 या 70 हज़ार जो भी है पेंशन देनी, ये भी बंद कर दो। मैं तो समुचे हाउस का जी सेंस है, समुचे हाउस के जो MLA चाहते उन्होंने दिल के जोड़े जज्बात से वह मैं सामने रखे से। सामने कहते रखे मुख्यमंत्री के, जे विधानसभा के फ्लोर से बहस नहीं होनी तो कितने होनी, मैंने दसो नील भुलिंदर जी। बस सर मैं सवाल भी ले ला क्योंकि असी थोड़ी जी सीमित भी रखनी है गल। जो आप जे अगर समराइज करिए बजट नू जो हरपाल सिंह चीमा उन्होंने पेश किया है, तो आम भाषा चा यह समझ आता है कि जिन्ना भी बजट वास्ते प्रोविजनस की गई ने उहदे वास्ते जो फंड चाहिए उहदा वड्डा हिस्सा पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार दौरान या उस तो पहला अकाली भाजपा की सरकार दौरान हुंदी रही करप्शन नू रोक के उत्थों ही पूरा कर लिया जाएगा। एक नवे तरह की इक्वेशन सुनन नू मिली है कि बजट खर्चे जड़े ने वो कितों पूरे होने ने, देखो नील नवे रिसोर्स घट गणाए गए ने। हालांकि सवाल थोड़ा थोड़ा जिहा तुहाडे हक च जांदा है पर बड़ा एक अचंभाजनक है। सरकार चाण वास्ते जदों इन्हां दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी नूं पुछया गया कि तुसीं कहा जी असीं हर मुहल्ले विच क्लिनिक खोलांगे, 12,500 पिंडे पंजाब च, बिल्कुल 2,500-3,000 वार्ड है छोटियां म्युनिसिपैलिटियां विच ते वड्डियां कारपोरेशनां च, इह रल मिल के 16,000 दा नंबर बंद जी। तुहानूं याद होएगा जिहड़े जेल च इन्हां दे मंत्री ने हैल्थ मिनिस्टर सिंगला साहब, नहीं सिंगला साहब, उन्होंने बयान दिता सी 16,000 मेरे को बयान पिया, मैं तुम्हें कला 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलनी, लैके आ गए 117। इन्हें क्या 300 यूनिट असी बिजली का सारे नू फ्री देना, सारे नू मोहल्ला शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी नू गिणदे ने, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सैगमेंट। अच्छा वो मोहल्ला की होया जी, वो तो डिस्पेंसरी है नहीं रही जिहदे विच एक डॉक्टर होना वो टीका ला लेगा या जिहड़ी प्राइमरी हेल्थ केयर है वह देगा। इट इज जस्ट जिस तरह पुराने वक्त डिस्पेंसरियां डिस्पेंस कोई ऑलरेडी है ना, वो तो सारिया है जो उन्होंने ही तुम अपडेट कर लो। मोहल्ला क्लीनिक की होंगे या तो कोई मिनी PGI हर हल्के दे रहे हो या स्टेट ऑफ आर्ट कोई हॉस्पिटल दे रहे हो जो हर हल्के कोई 200 या 300 बैडेड, फिर तो असं मनी है। एक मोहल्ला क्लीनिक जो एक डॉक्टर होना, एक कंपाउंडर होना, टीका लाने का या छोटी मोटी दवाई सिर पीड़ की दवाई या बुखार की दवाई देने वाला, 117 लिखा कि नवी चीज़ दी, कोई प्रोविजन नहीं। दूजी गल वेखो औरतों वास्ते सारे नो वड्डा वादा जिहदे कारण आप आई 18 साल तो वध दियां 1 करोड़ औरतों ने पंजाब जी, जिन्हां नू 1,000 करोड़ रुपया महीना चाहिए। 12,000 करोड़ का हुण गल कही 3 या 4 महीनों नू देवांगे, फिर 300 यूनिट। इलैक्शनों पहले क्या हर घर नूं, हुण कहता जिस घर की 2 किलोवाट तक का जिहड़ा लोड होएगा घर का कल उन्हूं दांगे, फिर 1,000 ते आ गए ने। अजे तक टोटल बेनीफिशरी नहीं दसे, बेनीफिशरी किन्ने होणगे, ये अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आना। जिहड़े वेखो लोएस्ट जिहड़ा प्रायोरिटी वाले लोग ने जिस तरह शड्यूल कास्ट साडे वीर ने, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले साडे बैकवर्ड क्लास ने, उन्होंने तो कांग्रेस भी 200 यूनिट दे रही सी, ये प्लस 100 यूनिट कला उन्होंने वास्ते होएगा, बाकी सारिया क्लास फिर ये एग्जेम्प्टेड होंगे बाहर रहनगिया। बजो सर तुम वैसे अंकड़ा जो दिता है कि औरतों एक 1,000 करोड़ रुपया 1,000 प्रति औरत देने वास्ते महीने का चाहिए है, साल का 12,000 करोड़ चाहिए है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, ईवन FM साहब ने भी कहा है कि 3-4 महीने तक हो सकता है कि शायद दिवाली दशहरे तक त्यौहारों का तोहफा देंगे, पर लगता है कि जिहड़े 3-4 महीने जाएंगे वो कहेंगे कि 4 करोड़ तो यह बचा के असी बजट च पूरा कर लिया होर खर्चे पूरे करने वास्ते। मैं तो तुम दसा दिवाली तक इन्हों का दुबारा निकल जाना, ये भी गल एक चंगी तरह उधर ही आना चाहता सीगा। आपां सियासी जिहड़े वखरेवे आ तो उपर उठीए जे, फिर
जो बजट के सिर के उत्ते स्टेट ने चलना है 92 एमएलएयां दे नाम नाल स्टेट ने नहीं चलना, भगवंत मान साहब के मूँह नाल या तुहाडे मूँह तो स्टेट ने नहीं चलना, या स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा हाउस रन किया है, ये जमीनी पद्धर से स्टेट ने नहीं चलना, जमीनी पद्धर से पैसा चाहिए। बिल्कुल, मैं तो जर कि किधर जा रही है स्टेट फिर, मैं तो उस पास से वरीड। नील पलिंदर जी, पोलिटिकल ओपोनेंट को पूछ रहा मैं तुहाडे चैनल ते, मैं एक झटकी गल समझाना चाहना पंजाब दे लोकां, 15,000 करोड़ रुपया तो इस साल जी GST का कंसैशन आता सी, सानू हर साल 15,000 करोड़ रुपया तुहानू एडिशनल पैसे आते, वो इस साल 30 जून तो समुचे हिंदुस्तान वो बंद हो गए, जेडे पैसे उतो कॉम्पनसेशन आता GST का कॉम्पनसेशन। अजे तक सा हरपाल सिंह चीमा ने जो सच झूठ बोलिया जोड़ पैदा किया 12,000 करोड़ तक पहुँचे ने, असी एडिशनल रिसोर्स लियावे पिछली जो भी कर्ज सा रन कर दो बैटर किस्तां करो, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपया महीने का घट आ रहा, एंड भी 12,000 करोड़ टाइम साबित करेगा। मैं तुहानू यकीन दवाना, मेरा एक्सपीरियंस ये शो करता है ये एग्जैजरेटेड फिगर्स, 12,000 करोड़ की जगह पर 7-8,000 करोड़ तो नहीं बदना, बहुत बड़ा गैप जेड़ा 12 GST नहीं सानू 15,000 करोड़ मिली, वो इन्हां दे फाइनेंस जेड़ा बजट पेपर है वो इनकलूडेड तो आप पढ़िया होना जी, जिहदे कारण ये थे सीतारमन जी नू भी मिल गए जेड़े फाइनेंस मिनिस्टर। सो इन्हां तो कोई एक्सपैक्ट लंबा चौड़ा, दूजी गल इन्हां को एक्सपीरियंस भी है नहीं, एंड अनफॉर्चुनेटली जिहड़ा इन्हां दा लीडर है ही इज़ मोस्ट इनएक्सपीरियंसड। जिस लीडर दे विच इक वेखो स्टेट नू अगे वधाउण वास्ते कोई विजनरी बंदा चाहिए, मेरा ख्याल भगवंत सिंह मान की विजन को 30 फुट तो गांह दी है, ही कैनोट सी बियॉन्ड 30 फीट। तुसी विजनरी लीडर होंदा जिहड़ा अगले 30 साल स्टेट नू की चाहिए वो अज सोच सके, जिहड़ा बंदे दी दूर अंदेशी 30 फुट तो गाह दी है नहीं, उन्हें की डिलीवर करना जी। सो मैनू पूर्ण विश्वास है जी तुसी गल कही सी, 8-7 महीनों तो गाह चलनी नहीं, ये कोई हाले भी सवाल स्टैंड बार बार जहन चाह रहा है कि जो तथ्य दस रहे ने, जो तजर्बे दस रहे ने, साडा पत्रकारी का तजर्बा भी 5-6 सरकारां दा है, तुहाडा उस तो वध सरकारां चलाउण दा, सरकारां दे अंदर ते बाहर रहण दा है, तो उस तरीके नाल तां स्टेट किसी होर पासे जा रही। नंबर दो, तुहाडे DGP साहब ही पहला चिट्ठी लिख के छुट्टी लैण नूं चल पे ने, स्टेट की जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर है उहदे तों तुसीं बहस तक नहीं की। बिल्कुल, मतलब गल मैं फिर यह सवाल इत्थों नहीं उपजरे कि मैं कोई तुहाडे तों सरकार के खिलाफ बुलवाना चाहुंदा है, एक वरी चों निकलदे ने, एक पंजाबी दी वरी चों निकलदे ने। जी मेरी बेनती सुनो, मैं गवर्नर दे एड्रेस ते गल कही सी एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि किसी पंजाबी की अज जिंदगी ते उहदी प्रॉपर्टी महफूज नहीं। कुछ दिन 2-3 दिन पहला संगरूर की बाय इलेक्शन च खुद ही सब भगवंत मान जी ने खुद ही कह दिता मेरी जान को खतरा है। हाँ जी, उहदा मतलब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या ऑपोजिशन जो कह रही उन्होंने इंडोरस कर मोहर ला दी उस गल ते, तो इहदी मोहर हुण होर पक्की लग गई जदों DGP सर्विंग DGP ने हाथ जोड़ दिते कि मैनू छुट्टी दो, मैं सेंटर दे विच डेपुटेशन ते जाना चाहना, मैं तुहाडे नाल नहीं रहना चाहता। इत्थों आपां नूं हालात समझ नहीं आ रहे, अज 1 महीना हो गया सिद्धू मूसेवाले की डैथ नूं, 1 भी बंदा को किलर फड़िया गया जी, जो कुछ भी होया दिल्ली की जिहड़ी दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल है उन्हें बंदे इनवैसटीगेट करके 2-4 फड़े, इन्हें कुछ को बंदा ही नहीं फड़िया गया जी, तो दे हैव नो कंट्रोल। जिहड़ी मैं गल कह रहा बड़ी डूंगी गल है, चीफ मिनिस्टर जो आप कहता मेरी जिंदगी खतरा, वह मतलब जो CM की जान खतरा है, डिप्टी CM की जान खतरा है, MPs की जान खतरा है, MLAs की जान खतरा है, फरौतियां दियां ते मारन दियां धमकियां आ चुकियां ने ऑन रिकॉर्ड, तुहानू मैं दस्या सारा, तो फिर DGP छुट्टी मंग रहा जो पूरी अग वस रही है पंजाब, जो DGP छुट्टी मंगे समझ लो एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, पंजाब इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर पंजाब वी हैव अ लीडर लाइक भगवंत सिंह मान हु कैनोट टेक द स्टेट है, ये मैं तुहानू 100% कह रहा, साड़ी बदकिस्मती है, लीडर तो आप वाले ने आप चुनना सी, बट इस आदमी दे विच कोई लीडरशिप क्वालिटी है? देखो ये सरकार जिहड़ी आई है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जदों होंद विच आई सी उदों पंजाब विच अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दा राज सी, उदों ही बेअदबियां हुंदियां ने, बेअदबी दे मुद्दे उत्ते भी 2017 दे विच पूरा जोर लाया,
पर सरकार नहीं बन सकी। सरकार उत्ते भी कुछ गर्म दलियां दे नेड़े होने दे दोष लगे आम आदमी पार्टी ते, ते इस करके सरकार 2017 च नहीं बन सकी। इस बार तिरंगा यात्रावां कढ़ियां, हो सकता है कि उसने कुछ फ्रूटफुल साबित होइया हुण। सवाल यह है कि सरकार दे अंदर ही वो अफसर बैठा है जिसने 5 साल उस सिट दे विच लगाए ने, कुंवर विजय प्रताप सिंह हुण MLA साहब ने इन्हां दे, उन्हां नूं भी अपनी गल अपनी सरकार दे विरुद्ध कहनी पै रही है। हालांकि सरकार तो कहती है कि देखो डेमोक्रेसी है, असी पार्टी विद इन पार्टी भी डेमोक्रेसी है, पर कन्न नहीं धर रहा कोई। तुसीं मैं तुहानूं नील जी ये गल कहना चाहना, इन्हां दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब ने तुसीं भी सुनिया होना जदों पंजाब ते दौरे आए सी, इन्हें कहा कोई ईमानदार लीडर जिस दिन पंजाब नूं मिल गया 24 घंटे का टाइम चाहिए बरगाड़ी ते बहबल कलां दे जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां उन्हां नूं जेल दियां सलाखां पिछे पहचाना ते उन्हां दे अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर। 3 महीने हो गए, वो IPS अफसर जिन्हें 10 तो 11 साल की IPS की नौकरी इस गल कारण छड्डी होए कि वह जदों सिट का मैंबर सी जिहड़े उस सिट के टॉप अफसर हुण इन्हां ने लाए ने उन्हां दी वर्किंग ते जदों उहनूं सैटिस्फैक्शन नहीं होए उन्हें नौकरी छड्ड के इन्हां दा MLA बनिया। तुसीं डेमोक्रेसी की गल करते हो, वह तो हथ जोड़ता सी कि मैनूं तो कोई वक्त ही नहीं दे रहा। मैं किन्नी बार कोशिश कर ली अपनी गल कहन दी, मैं स्पैशल डिस्कशन चाहते हाँ, मैं कम रोकू प्रस्ताव लैके आंदा स्पीकर साहब नूं गल कही कि अद्धे घंटे की बहस चाहिए है। मैं सगों उठ के सपोर्ट की कि ये सारनों ही इज़ दी वन हू नोज़ दी केस वैल, या तो 15 मिनट अज असैम्बली दे दो नहीं तो अद्धे घंटे की बहस दो साढ़े गुरुआ दी जी। ये मर्यादा की गल है, पंजाब इज सेंटीमेंटल अबाउट गुरु ग्रंथ साहब, साढ़े जे गुरु जेडे गुरु ग्रंथ साहब ने जे उन्होंने असी सेफगार्ड पंजाब नहीं कर सकते तो कितने सेफगार्ड करांगे। बट ये एक मैं तुहानूं होर दसा नील भिंदर जी, मैं गवर्नर एड्रेस भी बोलते कही तो फिर कह रहा फिर दोहरा रहा कि सेफगार्ड कर रहे हैं एक वड्डा अफसर जिहड़ा मेन गुनाहगार है इस सारे कांड दा, उहनूं बकायदा तौर सेफगार्ड कर रहे हैं, सेफगार्ड करनगे। तुहाडा इशारा उस वक्त दे DGP सुमेर सिंह सैनी वाल है, बिल्कुल इहनूं सेफगार्ड कर आम आदमी पार्टी सुमेर सिंह सैनी नूं बचा रही, तुसीं इह कहना चाह रहे हो 110% है। तुसीं वेख लिओ इहनां दा इंट्रस्ट दिल्ली नाल रलिया, वो इंट्रस्ट एक दूजे के वाकफियत इंट्रस्ट की ने, मैं तो तुम दस ना ये पार्टी जो कहती है तो जो करती है वो तो जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कहे वो उल्ट करे हर चीज़ साबित हो रही, बसा में साबित होगी। उदन मैं सवाल किया इन्हों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नू, कह मैं क्या बसा क्यों रोकिया, कहते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सामने रखो पहले रोकन का, हुण जिहड़ियां चलाईयां उहदा नहीं, पर उह तां कहिंदे ने कि तुसीं आप कीता नहीं अपनी सरकारां च, असीं कर रहे हां सानूं करनी नहीं। नील भिंदर जी 13 चिट्ठियां ऑन दी फ्लोर ऑफ दी ऑन दी टेबल ऑफ दी हाउस मैं रखियां ना 13 2018 तो लैके 21 तक सारियां चिट्ठियां ऑलमोस्ट अरविंद केजरीवाल नूं गईयां, एक भी चिट्ठी दा अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दित्ता। ये साबित हो गया जी कि जे मिली भुगत सी ए अरविंद केजरीवाल दे ते आप दी सरकार। दो सवाल जाने जाने लवांगे हुण तक जिहड़ी साडी गलबात सी, स्रोते भी समझ रहे होणगे कि एक कोई इंटरव्यू तो वध के ये विचार चर्चा वध सी, सरकार दा 3 महीने दा विश्लेषण, बजट सैशन जिहड़ा कल ही समाप्त होया उहदा रिव्यू सी साडी गलबात जिहड़ी है। मेरी भी कोशिश सी कि आपां पार्टी पद्धर तो वखरेवें तो उपर उठ के ये रिव्यू करिए कि स्टेट चलेगी किवें, बजट वास्ते फंड कित्थों आएगा, स्टेट नूं जिहड़ा है सेफ हत्थां च किवें महसूस करांगे। पर इह सारे कुछ वास्ते विरोधी धिर सिर्फ पंजाब दी जनता ते ही हुण दारोमदार है कि सानूं इक लीवरेज ते मिल गई संगरूर च कि चलो उत्थे आम आदमी पार्टी नूं सबक सिखाता लोकां ने कि असीं बजट सैशन च बहिण जोगे हो गए, पर हर वार इह लीवरेज नहीं मिलनी। अगे वास्ते की तैयारियां ने तुहाडियां? साडा काम है कि इन्हां नूं पब्बां भार रखणा जी, ये सौण ना, क्योंकि इस टाइम अजे ताकत दे नशे में चूर जी, ताकत दे नशे च अजे भी मैं वेख्या इन्हां नूं कोई इन्हां दी सेहत ते कोई मोटा फर्क नहीं पिया। बहुत सारे तो आप दे MLA मैं तुहानूं सच्चाई दसना चाहना सानू मिलते रहेंदे खब्बे सज्जे, वो सारे कहिंदे इत्थे शुक्र कीता असीं संगरूर चों आ रहे हैं। नील जी तुसीं सोच सकदे हो मजोरिटी MLA दा कहना कि असीं शुक्र कीता क्योंकि हुण घट्ट तों घट्ट साडी भी कोई सुनवाई शुरू होएगी। जिथे पार्टी दे MLA पार्टी के वर्करे महसूस कर रहे हैं कि वी हैव बीन चीटेड, वी हैव बीन टेकन फॉर अ राइड, जिस तरह कहा जाता है कि किसी का बेवकूफ बनाना, किसी नूं लारा ला के उस तो बाद जिहड़ी कीता होया वादा उन्हें ना निभाना, दिस इज वॉट दी आप लीडरशिप इज डन जी। तुसीं वेखो अज मैं मोटी गल करना, इन्हां ने इलैक्शन एक वादा इन्हां दा यह सी कि पंजाब दे ऑयल सीड जिहड़े ते दाला असीं खरीदांगे MSP रेट ते, बिल्कुल जदों इलैक्शन च हुण सरकार आ गई
हूँ इन्होंने ऑयल सीड जड़िया ने सरों हो गई तिल हो गए वह तो ना ही नहीं लिया। इन्होंने सारिया दालों चो एक मूंगी की दाल चुनी। मूंगी की दाल के निरी 1500-1750 रुपये का MSP का रेट है। तुसी मालवे की सारी मंडियां रोज़ अखबारां पढ़ रहे हो 5000 के रेट से किसान धक्के खा रहे बेचारे मंडिया। गवर्नमेंट की खरीद निरी 15% है। पंजाब गवर्नमेंट की खरीद वो 3-4% है। 11-12% सेंटर गवर्नमेंट उन्होंने भी कोटा दालों का चाहिए उन्हें परचेज है। इन्होंने ये सो कह मतलब कि हर वर्ग न निरी झूठ निरी फरेब किन्ना चिर चलेगा जी। तो लोगों ने बहुत जल्दी महसूस करके 3 महीनों रिजल्ट देता रिजल्ट देता। आखिरी सवाल मैं लेना चाह रहा, हालांकि सवाल कोई एडा मच्योर सवाल नहीं है, कोई सियाना सवाल नहीं है, पर क्योंकि गल सदन दे विच होई है, रिकॉर्ड च गई है गल सारी। मुख्यमंत्री साहब का यह कहना है, मैं पूरा कर दिना उन्हों का वो बयान, क्योंकि जो असी समझे हाँ उसनों कि जदों कोई गल नहीं हुंदी विरोधी धिर दे नेतावां कोल या जदों उन्होंने कोई सरकार दे कोई घेरन वास्ते कोई मौका नहीं मिलता तो वह अंग्रेजी ते स्विच ऑन कर लैंदे ने अपना। नहीं तुसी मैनू दसो, अंग्रेजी बोलनी बकायदा तौर अलाउड है? को पढ़े लिखे होना नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं मंत्री जी ना तुसी अच्छा मैं ये कहना अच्छा मेरी सुन, इना कोल जदों कोई मौका नहीं, जदों कोई वड्डा तथ्य नहीं होंदा, कोई वड्डा कोई इशू नहीं होंदा, कुल मिला के सैल मुक जांदे ने जदों विरोधी धिर दे ते उदों अंग्रेजी ते आ जांदे ने ताकि इंप्रेशन पा सकण। मेरी गल सुनो, कहना चाहते हो मुख्यमंत्री साहब? मैनू तो लगदा क्योंकि स्टेज आर्टिस्ट ने सारी जिंदगी लोगों का बेवकूफ़ बनाते गुजर गई है। चुटकले सुनाते तो बेवकूफ़ बनाते, यह भी एक तरीका बेवकूफ़ बना। जे बंदा किसी चंगे स्कूल तो या कॉलेज तो पढ़िया है या उसकी बैकग्राउंड चंगी होए कि वह जुर्म है कोई जी? मैं अज पुछना चाहना, सारी पार्लीमेंट वो अंग्रेजी भी इस्तेमाल होंगी है, हिंदी भी होंगी है, अपनी लैंग्वेज भी तुम कर दो, इतने 90% या 95% सारे पंजाबी इस्तेमाल करते हैं। मैं इन्होंने यही कहना कि चलो ए कर लो, तो प्रोसीडिंग्स कढ़ा लो। जिहड़ा इन्हां दा हरजोत सिंह बैंस है लड़का जिहड़ा माइनिंग दा जेल मंत्री है, उहदा रिकॉर्ड कढ़ा लो कि किन्ना चिर पंजाबी बोलता किन्ना चिर अंग्रेजी बोलता। सो मान साहब, ये गल्लां जिहड़ियां ने ना स्टेजां ते ठीक लगदियां, चुटकले सुनांदे चंगियां लगदियां, तुसीं हुण मुख्यमंत्री हो, तुसीं स्टेज आर्टिस्ट नहीं रह गए, थोड़ी जी गंभीरता लै के आओ, थोड़ी जी सहनशीलता लैके आओ, थोड़ा जहा दिल अपना वड्डा करो। टाइम तो भावें इन्हों को बहुता है नहीं, इन्हों का बहुता माल नील पलिंदर जी, कोई साल बाद जी पार्टी महाराष्ट्र के जहाज भर के लैके गई सी, इन्हों का बहुता समान चुक के लै जाना साल बाद। एकनाथ मुंडे कौन साबित होंगे जी? कोई इन्हों का नाल ही कोई मुंडा बैठा होएगा जी, इन्हों के नाल कोई खब्बे सज्जे जो बैठा उ एकनाथ मुंडे शिंदे सॉरी जो मुंडे इन्हों के पिछे बैठे ने, छिंदे इन्हों के नाल बैठा, हुण टाइम साबित कर देगा कौन। पर असी गंभीर गल यह है कि असी उम्मीद करते हैं कि पंजाब का मैंडेट है कि 92 विधायक चुन के दिते ने, मजबूत सरकार विश्वास नाल दिती है, जो बजट पेश किया वह बजट दे विच जो प्रोविजनस रखिया ने, जिथों पैसा आना है जिथे खर्चना है वह घट्टो घट जरूर सरकार संजीदा हो के जरूर, ताकि स्टेट का घाटा ना पे, पोलीटल वखरेवे तो चलते रहने ने। इस तरह के असी भी मजाक या इस तरह दल्ला बातें जिन्हों चो असी कुछ ना कुछ लभण की कोशिश करते ही रहेंगे, पर असली गल पैसे नाल होनी है। बाजवा साहब तो मैं इजाजत पहला लै रहा, तो आखिरी गल उन्हों की होगी। देखो नील जी, मैं कोई गल मजाक च नहीं की, मैं ऑल सीरियसनैस अपने तजर्बे ना की जी। जिस किस्म की मैनू नज़र आ रही है कहानी, असी भी रोज़ यही काम पिछले 40 साल तो कर रहे, मैनू ये साफ तौर समझ आ रहा कि बहुता चेर यह ढांचा रहना नहीं, ये ढांचा बहुता चिर रहना नहीं। एकनाथ छिंदे इन्हों के गुआढ़ बैठा, मुंडे इन्हों के पिछा बैठा, समान इन्हों का जहाज से चढ़न तैयार है, तो बहुता लंबा इन्हें चलना नहीं। असी जिदन इन दिया सवारियां महाराष्ट्र वाले जहाज बह गई उदन मैं फोन कर लियो, तो आप दो हथ फिर उदन हो जाए। भगवंत मान साहब, सो फिर बाजवा साहब के कहने का सीधा इशारा कि सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है। बहुत शुक्रिया।